तो भाइयों क्या कहा जाए, हम थर्ड T20 आईएस जो खेला जा रहा था गुवाहाटी में वो हम हार चुके हैं। और भाई प्रसिद्ध कृष्णा बहुत ही बेकार बॉलिंग यार, मतलब 4 ओवर में 68 रन देना यार, मतलब कौन बॉलर देता है T20 में? आप ऐसी बॉलिंग करोगे, आपके पास में यॉर्कर नहीं है, आप यॉर्कर ट्राई नहीं कर रहे हो, आपके माइंड में भी नहीं है कि भाई इस सिचुएशन में हमको यॉर्कर ट्राई करना चाहिए, और आप मतलब तोहफे दे रहे हो यार मैक्सवेल को जीतने के लिए कि भाई आप आओ और मुझे मारो और टीम को जिता के लेके जाओ। और भाई मतलब मैक्सवेल तो यार क्या कहने, मतलब हमेशा आता है भाई और टीम को मतलब लेके जाता है, मतलब आखिरी ओवर में 16 रन मार देना यार, मतलब 4 बॉल में 16 रन, गजब यार मैक्सवेल। और बात की जाए मैच की तो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने टॉस जीता और उन्होंने फील्डिंग चुनी, क्योंकि कंडीशन ऐसी थी कि भाई ड्यू पहले इनिंग्स में ही आ गया था भाई, और ड्यू ज़्यादा था तो उनको माइंड में था कि भाई जितने भी रन पिटने हैं पहले पिट जाएं और बाद में ड्यू है तो ड्यू में हम बैटिंग करके आराम से टारगेट को चेस कर लेंगे। तो वही हुआ और इंडिया बैटिंग के लिए आई और यशस्वी का विकेट जल्दी में चला गया। और भाई ईशान किशन भी कुछ खास नहीं कर पाए, कुछ खास नहीं कर पाए और वो भी चले गए। और एक तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ आराम से खेलते जा रहे थे, टिके हुए थे और अपनी पारी को बिल्ड कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव भी लग रहा था कि भाई अच्छा ही खेलेंगे, बट उनका विकेट आता है। और ऋतुराज का क्या कहना, वो पहले इंडियन बन चुके हैं जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 आईज में 100 उन्होंने मारा है। और नवंबर 28 को लिस्ट ए में, नवंबर 28, 2022 में लिस्ट ए के लिए उन्होंने 220 रन स्कोर किए थे 159 बॉल्स में। और आज सॉरी कल जो मैच खेला गया था नवंबर 28 को, उसमें उन्होंने 123 रन स्कोर किए 57 बॉल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो भाई 28 नवंबर इज़ वेरी लक्की फॉर ऋतुराज गायकवाड़, मतलब क्या परफॉर्मेंस है भाई। एक तरफ से यार मतलब अच्छा बैटिंग कर रहे थे और एक तरफ से विकेट आ रहे थे, तो सूर्या भी आउट हुए, फिर वर्मा आए, वर्मा धीरे खेल रहे थे और बैट बॉल पर सही से बैट पर बॉल सही से आ नहीं रही थी। और ऋतुराज ने फिनिशिंग टच भी अच्छा दिया। आते हैं आखिरी ओवर में मैक्सवेल चाहते थे स्टॉइनिस को पहला ओवर करा सकते थे, बीच में लेके आ सकते थे या आखिरी ओवर भी करा सकते थे भाई, लेकिन कैप्टन क्या करना चाहते थे समझ में नहीं आया। ये हो सकता है कि मैच को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते थे, पहले से सोच के आए थे कि हम थोड़ा टारगेट आपको देते हैं कि भाई आप और टारगेट बनाओ और फिर हम उसको चेस करेंगे, और रन्स बनाओ और हम उसको चेस करेंगे। तो भाई आखिरी ओवर में मैक्सवेल देते हैं 30 रन, तो ऐसा लगता है कि भाई इस मैच के विलन मैक्सवेल ही बनेंगे। फिर आती है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग। अब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग के क्या कहने, एक तरफ से विकेट्स आ रहे थे स्टार्टिंग में, भाई हेड आते हैं, हेड अच्छी बैटिंग करते हैं, एरॉन भी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, एरॉन आउट होते हैं, हर्षदीप उनकी विकेट लेते हैं, फिर हेड के हेड पे बॉल कोई डालता ही नहीं है, मतलब हेड के पास में बॉल डालोगे तो विकेट्स आएंगे। तो बहुत टाइम से ट्राई करने के बाद में आवेश आते हैं और आवेश का टीम इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा निवेश होता है, हेड को आउट करते हैं, फिर उसके बाद में विकेट्स आते रहते हैं। और एक तरफ से मैक्सवेल डटे रहते हैं, 47 बॉल में 100 रन स्कोर करना, 100 रन स्कोर करना और T20 इंटरनेशनल में 4 टाइम सेंचुरी करना। रोहित शर्मा और मैक्सवेल दो ऐसे प्लेयर जिन्होंने 4 बार सेंचुरी स्कोर किए हैं T20 आईसीसी, तो भाई दो ही ऐसे प्लेयर हैं और दोनों भाई जब खेलते हैं तो कमाल ही खेलते हैं, चाहे रोहित शर्मा हो चाहे मैक्सवेल हो, भाई कैसा भी सिचुएशन हो अगर ये प्लेयर डटे हैं, दोनों टिके हैं, तो भाई किधर से भी मैच को किधर भी लेके जा सकते हैं। आप हार रहे हो लेकिन ये भाई बोलेंगे भाई मैं हूँ ना और मैं जिता के लेके जाऊँगा। तो क्या परफॉर्मेंस रही यार मैक्सवेल, आप लास्ट ओवर में बॉलिंग करते हो, 30 रन देते हो, फिर लास्ट ओवर में जब चेस करना होता है तो 16 रन बनाते हो, प्रसिद्ध कृष्णा की प्रसिद्धि पे सवाल उठा देते हो, और भाई मतलब लाजवाब रही ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को 5 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया है। तो अब देखते हैं, 2 मैच बचे हैं और 2 मैचेस में चेंजेस, मुकेश कुमार आएंगे प्रसिद्ध के जगह पे भाई और वर्मा के जगह पर अय्यर खेलते हुए आपको दिखेंगे। तो अब हम चाहेंगे और हमारी भाई दिल से दुआ है कि यार जीत लो और बदला ले लो यार, मतलब इनको हराओ सीरीज ऑस्ट्रेलिया वालों को और बदला लेना है।
और सीरीज जीतना है। जय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और बेल आइकन को दबा दीजिए। ऐसे क्रिकेट की तमाम अपडेट पाने के लिए हम लाते रहेंगे आपके लिए यार, कर दीजिए यार सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।